जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस समय भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में हूं और हमारे पीछे आप लोकेशन देख सकते हो, ये हनुमान गढ़ी के पास में खड़ा हुआ हूं। हनुमान गढ़ी अगर आपको जाना है तो इस रास्ते के थ्रू आप जा सकते हो दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों आज हम आपको अयोध्या में अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर एक धर्मशाला के बारे में बताएंगे जिसमें आप जो है कम से कम पैसों में आप वहाँ पर स्टे कर सकते हो, है ना। तो उस धर्मशाला का वीडियो दिखाने जा रहे हैं और हनुमान गढ़ी से उसकी दूरी मात्र 400 मीटर होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। आप पैदल आप हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर है, मेन मंदिर, वहाँ पे जा सकते हो और रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में ही है, ठीक है। तो चलिए आज आपको उसका पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं, रूम के बारे में बताते हैं, कितने रुपए पे रूम है, आप लोग वहाँ पे आके रुक सकते हैं। तो चलिए आपको सीधे धर्मशाला में ले चलते हैं। ये यहाँ पे जो है धर्मशाला में मंदिर है और यहाँ पे देखिए सीताराम सीताराम हर समय होता रहता है, भक्तिमय माहौल है, पूरा पूरा भक्तिमय माहौल आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आपको भक्तिमय माहौल चाहिए तो आप इस धर्मशाला में आइए। ये सामने मंदिर है, सुबह शाम यहाँ पे भगवान की आरती वगैरह भी होती है, तो दर्शन कर लीजिए भाई। जय श्री राम। धर्मशाला में आपको यहाँ पे देखिए, ये देखिए खिचड़ी बन रही है, यहाँ पे खिचड़ी का जो है प्रसाद आपको मिलेगा। तो ये भाई साहब हैं पांडे जी, पांडे जी राम राम बोल दीजिए। सीताराम ये पांडे जी हैं, यही भैया यहाँ पे भोजन वगैरह बनाते हैं, देख सकते हो आप। आप लोग भी यहाँ पे आके मतलब ये भोजन बनवा सकते हो, अगर आप गरीबों को खिलाना चाहते हो तो यहाँ पे इनका जो है चलता है, वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पहले देखिए तहरी वगैरह बन रही है, निःशुल्क आपको दी जाएगी खाने के लिए। तो दोस्तों तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, गुजराती धर्मशाला में प्रतिदिन खिचड़ी व सब्जी साधु संतों एवं गरीबों को निःशुल्क खिलाई जाती है। अगर आपको भी करना है तो भाई 1500 रुपये का यहाँ पे आपको दान देना पड़ेगा और आप लोग जो है गरीबों को जो है ये खिचड़ी वगैरह भोजन वगैरह करवा सकते हैं। तो आप लोग पढ़ सकते हो भाई, जय हो गुजराती धर्मशाला की। तो दोस्तों अभी हम जो है इस धर्मशाला के जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे आपको जो है 600 रुपये का रूम मिलेगा, डबल बेडरूम 600 रुपये में मिलेगा जिसमें आप दो लोग आराम से रुक सकते हो, ठीक है। देख सकते हो अभी ये जीने के थ्रू हम लोग नीचे से आए हैं और यहाँ से आप लोग देख लीजिए, थोड़ा नज़ारा देख लीजिए पूरी धर्मशाला का। इस तरह से है धर्मशाला, पूरी धर्मशाला नज़र आ रही होगी आपको। ऊपर देखिए बजरंगबली जी टहल रहे हैं और ये देखिए काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ पे गाड़ी वगैरह भी आप लोग पार्क कर सकते हो। देखिए कार वगैरह खड़ी हुई है, बाइक वगैरह अगर आपके पास है तो यहाँ पर पार्क कर सकते हो। और ये देख सकते हो सामने खाने का इंतज़ाम हो रहा है जो कि सुबह शाम खिलाया जाता है यहाँ पर। चलिए रूम दिखाते हैं आपको। तो चलिए अब आपको सीधे रूम दिखा देते हैं 600 रुपये वाला। ये इस तरह की गली है, यहीं पे 600 रुपये वाला रूम है, 600 रुपये वाला रूम है इस गली में। हम ले चलते हैं आपको और यहाँ पे देखिए कपड़े वगैरह भी फैला सकते हो आप, इस तरह के डस्टबिन वगैरह हैं, है ना। और देखिए यहाँ पे सब जगह राम राम आपको नज़र आएगा लिखा हुआ। तो इस यहाँ पे देखिए इस कमरे का निर्माण श्री सेवाराम यात्रा गुजराती हैं सूरत के, उनके द्वारा हुआ। तो ये रूम है 600 रुपये का। चलिए अंदर से दिखा देता हूँ, गेट पर लिखे पहले राम जी का नाम लिखा हुआ है, रूम नंबर 104, देख सकते हो भाई ये है रूम। ये बड़ा सा डबल बेड आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैंकेट, दो कुशन तकिया मिलेंगी। यहाँ पे देखिए कि स्टूल भी रखा हुआ है, सामने आपको मिल जाएगा मिरर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपना तैयार हो सकते हो, यहाँ पे देखिए चार्जिंग का पॉइंट दिया हुआ है, स्टूल है, यहाँ पे बैठ सकते हो आप। सामने देखिए इधर अलमारी है, यहाँ पर आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो। और देखिए यहाँ पे देखिए राम जी का यहाँ पे चौपाई भी यहाँ पे लिखी हुई है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई, देख सकते हो भाई। और ये देखिए भाई सामने देखिए एसी रूम है भाई, ये एसी की सुविधा भी आपको मिल जाएगी, फैन ऊपर लगा हुआ है और बेड काफ़ी बड़ा सा है, आराम से इस पर दो लोग जो है रुक सकते हैं। और इसमें अटैच वॉशरूम भी आपको मिलेगा, सामने देखिए ये देख सकते हो भाई वॉशरूम में काफ़ी स्पेस है, यहाँ पर आप लोग अपना जो है ब्रश वगैरह करना हो तो यहाँ पर वॉश बेसिन मिल जाएगा, शीशा लगा हुआ है सामने। और ये इधर जो है वॉशरूम है, इंग्लिश वॉशरूम आपको मिलेगा और यहाँ पे वाटर वगैरह मिल जाएगा, बाल्टी वगैरह सब रखी हुई है, काफ़ी बड़ा सा मतलब ये टॉयलेट है और ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी यहाँ पे इधर से देख लीजिए आप, बड़ा सा बेड है। तो ये है आपका रूम। तो दोस्तों ये जो रूम हमने आपको दिखाया इसका जो है प्राइस 600 रुपये है, मतलब दो लोग अगर आप लोग हैं तो इसमें रुक सकते हो, ठीक है, दो लोग के लिए 600 रुपये लगेगा। तो काफ़ी सही है भाई, मतलब बेड भी बड़ा है, दो लोग आराम से रुक सकते हो, वॉशरूम वगैरह सब आपको यहीं पे है, साफ़ सफाई है रूम में काफ़ी ज़्यादा,
पानी वगैरह भी मिल जाएगा आपको हर समय 24 घंटे यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो चलिए और रूम दिखा देते हैं आपको, और दिखाते हैं 100 रुपये में आप यहाँ पे रुक सकते हो, 100 रुपये में आपको बेड मिल जाएगा और लॉकर मिल जाएगा। तो हमारे जैसे जो यात्री हैं, जो सोलो यात्री हैं, मतलब जो अकेले ट्रैवल करते हैं, उनके लिए सही है, मतलब 100 रुपये में आपको यहाँ पर रुक सकते हैं। तो चलिए वो दिखाते हैं भाई, क्योंकि हम भी आए हैं यहाँ पर भाई, 100 रुपये वाला हमने लिया हुआ है सिस्टम, बेड ले लिया है, आराम से सो रहे हैं वहाँ पर, एक लॉकर मिल गया, उसमें सामान वगैरह अपना रख दिया हमने। तो चलिए नीचे दिखाते हैं आपको 100 रुपये वाली सुविधा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये सामने जो है रिसेप्शन एरिया आपको मिल जाएगा, जैसे आप गेट से अंदर एंट्री करोगे सामने रिसेप्शन एरिया है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगा हुआ है कि 2 बेड 3 बेडरूम नॉन एसी एसी रूम आपको मिल जाएगा, लाइट एवं पानी 24 घंटे यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, लाइट और पानी 24 घंटे, जनरेटर की सुविधा भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। बाकी अंदर अभी रिसेप्शन में चल के आपको दिखाते हैं चल के, है ना। और इधर देखिए, यहाँ पे देख सकते हो रेट वगैरह लिखे हुए हैं, श्री राम बालक दास जी रघुवीर ट्रस्ट गुजराती धर्मशाला। यहाँ पे देखिए 2 बेडरूम का जो 3 लोगों का 600 रुपये का है एसी, और सॉरी नॉन एसी 600 रुपये का है, एसी लेंगे तो 1000 रुपये, और बेड 4 लोगों का के लिए 850 रुपये में है, एसी लेंगे तो वही 1300 हो जाएगा, और 400 रुपये में भी रूम मिल जाएगा जिसमें 5 लोग आराम से लेट सकते हो गद्दे डाल के आराम से, और बड़ा हॉल जो है 1000 रुपये का यहाँ पर मिलता है, उसमें कई लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो ये रेट है, देख लीजिए आप लोग। तो अब हम आपको कॉमन रूम दिखा रहे हैं जिसमें जो है मतलब 4 से 5 लोग रुक सकते हैं। तो ये है रूम, कॉमन रूम, लाइट जलवाते हैं। तो भाई ये है कॉमन रूम, ठीक है, ये बड़ा ऐसा रूम मिलेगा, इसमें क्या है गद्दे वगैरह लगा सकते हो, 5 लोग रुक सकते हो इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिरर मिल जाएगा, सामने अलमारी वगैरह है, अलमारी है, ऊपर देखिए फैन है, ठीक है। अच्छा इस रूम की कीमत जो है 400 रुपये है, ठीक है। 5 लोग आराम से आपको यहाँ पे गद्दे लगा के भाई नीचे सोना पड़ेगा, तो अगर आप नीचे सोना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया है, अगर आप बजट ट्रेवलर हो और नीचे सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको जो है बहुत सस्ता पड़ेगा 400 रुपये में, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम इस धर्मशाला के ग्राउंड फ्लोर पर हैं, ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो हम आपको बता रहे थे 100 रुपये में रुकने की सुविधा आपको मिलेगी, इस तरह के बेड हैं यहाँ पर, ये देखिए इस तरह के बेड मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पे लॉकर की सुविधा है जिसमें आप अपना सामान रख के आप यहाँ पे देखिए सामने लॉकर रखे हुए हैं, आप लोग यहाँ पे रुक सकते हो, है ना, ये देख सकते हो इस तरह से लोग रुकते हैं, यात्री यहाँ पे आते हैं। ऊपर देखिए पंखा वगैरह लगा हुआ है, फ़ैन वगैरह लगे हैं, काफ़ी साफ़ सफाई आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, बड़े बड़े से लॉकर हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो सुविधा है ये 100 रुपये में आपको बेड मिलेगा यहाँ पर, चार्जिंग के लिए आपको पॉइंट मिल जाएगा, है ना, और फ़ैन वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, लॉकर सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ पे आपको रिसेप्शन पे बात कराते हैं सीधे। तो ये रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे आपको ये मिलेंगे मैनेजर जी, जो कि नमस्ते भैया। नमस्कार जी। तो क्या नाम हो गया आपका भैया? मान सिंह जी। तो आप यहाँ पे मतलब जैसे किसी को बुक करना हो जरा थोड़ा सा प्रोसेस बता दीजिए और रेट क्या कुछ है। देखिए हमारे यहाँ का जो रेट का है जी, डबल बेड का रूम 600 रुपये चार्ज है, डबल बेड का नॉन एसी का, एसी का 1000 रुपये उसी रूम का, जब उसमें एसी चलाएंगे तो 1000 रुपये देना पड़ेगा। 3 बेड का जो है उसका 850 रुपये है, अच्छा, और एसी के साथ में 1300 रुपये, अच्छा। 4 बेड का है उसका 1000 रुपये, एसी के साथ में 1600, अच्छा। 5 बेड का है उसका जो है 1200 रुपये है और एसी के साथ में 2000 रुपये, ये हो गया अटैच रूम का, ठीक है। हमारे यहाँ जो कॉमन रूम का है, हाँ। उसका पहले तो ये हॉल है, इसमें जो है जो बरामदे में रहते हैं लोग आलमारी लेकर, हाँ। उनका 100 रुपये चार्ज है एक आदमी का, सिंगल लोगों के लिए, केवल जेंट्स के लिए व्यवस्था है, अच्छा है। उसके बाद कॉमन रूम आता है, उसका 400 रुपये चार्ज है, 5 लोगों की एंट्री होती है इसमें, अच्छा, उसमें 2 भी रहें या 5 रहें उसका 400 रुपये चार्ज, उसमें गद्दे मिलेंगे ना, उसमें नीचे गद्दा लगवा देते हैं, अच्छा। लैट्रिन बाथरूम कॉमन जो है जनरल, हाँ, में जाना पड़ता है, ये है। और बुकिंग के लिए उनको यात्री जितने लोग आते हैं सबका आधार कार्ड यहाँ उसका फोटोकॉपी हम लेते हैं, आधार कार्ड लगता है, हाँ। उसके बाद में उनके एडवांस बुकिंग कोई फोन करके करा सकते हैं क्या? जी हाँ, फोन करके वो, तो आप हमें अपना कार्ड दे दीजिएगा, हम इसमें लिख देंगे नंबर वगैरह क्या कुछ रहेगा। जी जी, आप कार्ड ले लीजिए, हाँ। और ये है हमारा कार्ड, अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए कार्ड है इनका, इस पे देखिए नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, 888 करके जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है, इससे आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है।
पहले से कॉल करके आप रूम बुक करा सकते हो अपना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने जानने वालों के साथ व्हाट्सअप पे या अन्य माध्यमों से इसको जो है शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री।